हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने आलू लिया हुआ है और 6 आलू लिया है हमने, और इस आलू को हम बॉईल करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार पानी ऐड कर लिया और कुकर को बंद कर दिया। एक सीटी में हमारी आलू जो है वो बॉईल हो जाएगी। मटर आप देख सकते हैं, हरा मटर, फ्रेश मटर हमने लिया हुआ है, 1/2 किलो, 500 ग्राम हरा मटर है, और हरे मटर को हम भून लेंगे। तो आइए बता देते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हरी मिर्च है, 5 हरी मिर्च हमने लिया हुआ है, इसको छोटे छोटे पार्ट में कटिंग कर लिया है। अदरक देख सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े शेप में इसको कटिंग करेंगे। हरी प्याज ली हुई है हमने, 2 कली ली हुई है हरी प्याज को, और इसको कटिंग कर लिया है। मसाले में हम छौंक के लिए यूज़ करेंगे जीरा 1 बड़ी चम्मच। तो आइए शुरू करते हैं मटर को भूनना। तो उसके लिए हम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, और ये हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया हुआ है। तो हम बता देते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज जो है हम मटर का बहुत ही टेस्टी से कचौड़ियाँ बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम मसाले तैयार कर रहे हैं। तो हम उसके लिए सारे मसाले को डाल करके, पहले हम मटर को डाल करके मटर को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद इसको पीस करके हम बनाएंगे। तो आइए देखिए हम कैसे बना रहे हैं। मटर को अच्छे से भून ले, 5 से 6 मिनट दे इसको भूनने में। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार हमने 1.5 चम्मच लिया हुआ है। इसको अच्छे से मिला लें, 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में इसको अच्छे से भून लें मटर को। जैसा कि आप देख सकते हैं, मटर हमारी भून करके तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी सी मटर हमने मसालेदार तैयार कर लिया हुआ है, और इसको अब हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मटर को हमने पीस लिया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। बाकी बचे हुए मटर को भी पीस लें। आलू हमारी बॉईल हो चुकी है, अब इसको हम मैश कर लें। अब पिसा हुआ मटर इसमें ऐड कर लें, अच्छे से इसको मिला लें। बिल्कुल ध्यान रहे, अब हम नमक इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मटर भूजते टाइम ऑलरेडी नमक डाल रखा था। तो ये नमक इसमें अब वही रहेगा, अब ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे वरना तेज हो जाएगा। पराठे कचौड़ी बनाने के लिए हम आटा लिए हुए हैं 1/2 किलो, 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया हुआ है हमने, और बहुत ही टेस्टी सी कचौड़ियाँ हम बनाने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और स्वादिष्ट सी कचौड़ी का लाभ उठाएँ, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके से इस चीज़ को हम बनाएंगे। तो मोइन के लिए हम इसमें 3 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप घी भी डाल सकते हैं। वैसे ठंडे का सीज़न है, घी तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि घी जो है वो जम जाती है, इसलिए हम रिफाइन तेल का ही यूज़ करेंगे। थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके आटे को लगा लेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए लगाते हैं। आटे हमने लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कचौड़ियाँ तलने के लिए हम फ्राई ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिफाइन तेल ही यूज़ करें। आप जो फ्राई करना चाहते हैं उस ऑयल से फ्राई कर सकते हैं। और छोटी छोटी लोइयाँ बना करके गोला बना लेंगे पहले हम, थोड़ा सा आटा लगा लें, बीच में होल कर लें, होल अच्छे से कर लेंगे ताकि हर कॉर्नर में हमारे मसाले पहुंच जाए। और इस तरीके से जो हमने आलू और मटर का मसाला तैयार किया हुआ है, उसको पेड़ा बना करके इसमें डाल लेंगे, और अच्छे से फिंगर की सहायता से उसको प्रेस करेंगे अंदर की ओर, ताकि कोने कोने तक ये पहुंच जाए। और इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तो आपकी कचौड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल फूटेंगी नहीं, इस तरीके से अच्छे से कवर हो जाएगा। वरना ज़्यादातर क्या होता है कि तलते टाइम फट जाती है। हल्का हल्का आटा लगा करके इसको बेलते रहें, अपने आवश्यकता अनुसार पतला या मोटा आप इसको साइज दे सकते हैं। कचौड़ियाँ बनाते रहें, और हमारे रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी शेयर कर दीजिए। ध्यान रहे, आपके लाइक करने से, 1 लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करिए।
चीज़ें अगर समझ में ना आती हो तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर से हमसे पूछें, और कमेंट करें कि आपको चीज़ें कैसे लग रही है, अच्छी बुरी जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो हमसे ज़रूर शेयर करें। हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं या चीज़ों को समझ रहे हैं। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है और तेल को गर्म होने दे रहे हैं। अब हम इस तरह देख करके कचौड़ियाँ तलना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हल्का हल्का हमारा फूलना शुरू हो गया है। अब दूसरी तरफ पलट दे और दोनों तरफ अच्छे से फूल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का इसको कर लेंगे कचौड़ी को, और ये बेहद टेस्ट लगेगा। इसको हरी चटनी के साथ या टमाटर की मीठी चटनी के साथ इसको अगर आप खाएंगे तो बेहद टेस्ट लगता है। आप हमारे चैनल में जाकर देखें तो आपको हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों मिल जाएगी। तो उसको देख करके उसको बनाएं और इसके साथ खाएं और कचौड़ी को एंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं हमारी दूसरी कचौड़ियाँ भी इसी तरीके से फूल रही है। मटर सस्ती है इस टाइम, ठंडे का सीज़न है, और बिल्कुल ये कचौड़ियाँ बना करके खाइए और नाश्ते में इसको यूज़ करिए। बेहद टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी फूली फूली अच्छी सी कचौड़ी और बिल्कुल फ्रेश तरीके से बनाया हुआ है। और इस तरीके से आप बनाइए और खाइए और उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बस नीचे रेड बटन है उस पर क्लिक कर दे, और बगल में उसके एक बटन घंटी बनी हुई है उसको प्रेस करना ना भूले। उसको प्रेस करने से आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।